180 साल पहले डाक टिकट का आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था और चिट्ठियां पोस्ट करने के लिए उन्होंने लेटर बॉक्स का आविष्कार किया। ब्रिटेन में करीब 1,15,000 पारंपरिक लाल लेटर बॉक्स हैं। इनमें से कुछ तो 150 साल पुराने हैं। देखकर लगता है इन्हें बनाना बड़ा आसान है, अमूमन हम इन पर ध्यान नहीं देते, पर इन्हें बनाना काफी मुश्किल है। मशहूर ब्रिटिश लेटर बॉक्स काफी मजबूत होते हैं। सेंट्रल लोलैंड्स, स्कॉटलैंड के लोहे और स्टील उद्योग का गढ़। यहाँ हमें मिले गैविन बैलेंटाइन के परिवार द्वारा करीब 200 सालों से चलाई जा रही एक पुरानी आयरन फाउंड्री। आज ये दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ ब्रिटिश रॉयल मेल का मशहूर लाल लेटर बॉक्स तैयार किया जाता है। पिछले 30 सालों से 4 लोग मिलकर इन्हें बनाने का काम कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इन्हें बनाना कितना मुश्किल काम है। ये बहुत मजबूत बक्से होते हैं, सैकड़ों सालों तक टिके रहते हैं। इन्हें ना सिर्फ ब्रिटेन के मुश्किल मौसमों को सहना पड़ता है बल्कि ब्रिटेन के ड्राइवरों को भी, इसलिए इन्हें खास तरीके के लोहे से बनाया जाता है। ये पिछला हिस्सा सीधे सादे आम ग्रेफाइट आयरन से बनाया जाता है। इसे पीटने पर कोई खास आवाज नहीं आती, जोर से पीटेंगे तो टूट भी जाएगा, जबकि लेटर बॉक्स को आप जोर से पीटेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ज्यादातर हालात में चाहे कोई गाड़ी भी इससे टकरा क्यों न जाए, ये टूटता नहीं है। जिस धातु से इसे बनाया जाता है उसे कहते हैं डक्टाइल आयरन और इसे बनाने का काम यहीं शुरू होता है। सुबह 6 बजे से रिचर्ड एलन भट्टी में स्टील और ढलवा लोहे की किरचे डाल रहे हैं, पिग आयरन की गोलियां और थोड़ा सा कार्बन भी। इस मिश्रण में अब करीब 97% लोहा और करीब 3% कार्बन है। कार्बन की इतनी छोटी तादाद भी खास है, इसी से तैयार लोहे को जबरदस्त खिंचाव और टकरों को सहने की मजबूती मिलती है। लेकिन सबसे पहले इस कबाड़ को करीब 1530 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है। आगे का काम रिकी फॉरेस्ट करते हैं हैवी सेक्शन मूविंग रूम में। मैं करीब 30 सालों से यहाँ हूँ और करीब 20 सालों से लेटर बॉक्स बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2,000 से 3,000 लेटर बॉक्स तो बना ही चुका हूँ। हर बक्से के लिए एक नया सांचा चाहिए। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के पैटर्न नामक हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है, एक लेटर बॉक्स के सामने वाले हिस्से के लिए और दूसरा पिछले हिस्से के लिए। हर पैटर्न को खास तरह की रेत और रेजिन के मिश्रण से ढक दिया जाता है। चार मिनट बाद रेत जमकर ठोस हो जाती है और इस तरह आधे लेटर बॉक्स का खांचा तैयार हो जाता है। दिक्कत यह है कि अगर जरा सी भी दरार हो तो इसमें से पिघली धातु रिसने लगेगी, इसलिए रिकी रेत को सील करने के लिए एक खास तरह का पेंट लगा रहे हैं। एकदम चिकनी अच्छी सतह हासिल करने के लिए इन्हें आग जलाकर बेकार चीजों को जलाना पड़ता है। इस तरह एक चमकदार, दानेदार और गर्मी सहने वाली सतह तैयार हो जाती है। सांचा जितना चिकना होगा ढलने के बाद सतह भी उतनी ही अच्छी बनेगी, लेकिन अगर इसमें पिघली धातु भर दी जाए तो लोहे को एक ठोस बक्सा मिलेगा जिसमें चिट्ठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, इसलिए इसमें जगह छोड़ी जाती है जिससे लेटर बॉक्स की अंदरूनी खोखली जगह बनती है। इसके बाद बाढ़ से बचने के लिए पेंट करके इसे फिर जलाया जाता है, फिर सांचे का दूसरा हिस्सा इस पर रख दिया जाता है। पिघले लोहे को अंदर बनाए रखने के लिए सांचे को अच्छी तरह कसकर बंद किया जाता है। भट्टी में कार्बन पिघले लोहे में पूरी तरह से घुल चुका है, यही कार्बन लोहे को कठोर बनाता है, लेकिन ये इसे भुरभुरा भी बनाता है, इसलिए इसमें अब मैग्नीशियम फेरोसिलिकॉन मिलाया जाता है। इससे कार्बन के छोटे छोटे कण एक साथ आ जाते हैं, वो ग्रेफाइट के गोल टुकड़े बना लेते हैं और ग्रेफाइट के ये कण लोहे में दरार आने से रोकते हैं, ये उसे बहुत ही मजबूत बना देते हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम पिघले लोहे से मिलता है तो वो सफेद लपट में जलता है। इसे रोकने के लिए खास तरह की फनल लिड का इस्तेमाल किया जाता है। सैम पिघले लोहे की धार को 1530 डिग्री सेल्सियस पर एक टंकी में उड़ेलते हैं। अब रेस शुरू हो गई है। भट्टी से निकलते ही पिघला लोहा ठंडा होने लगता है, इसलिए टंकी को फौरन रिकी के दल के पास ढलाई के लिए ले जाया जाता है। 1.5 टन वजनी यह टंकी हवा में लटका दी गई है।
अब तक मिलावट दूर की जा चुकी है, पाइप साफ किया जा चुका है और इसे सीध में कर दिया गया है। 400 किलो पिघला लोहा सांचे में भरा जा रहा है। जब सांचा भर जाता है तो धुएं का गुबार इसका इशारा करता है। 7 घंटे बाद धातु ठंडी हो गई है और सांचा तोड़े जाने के लिए तैयार है। रेतीले सांचे को एक वाइब्रेशन टेबल के जरिए हिलाया जाता है। अब लेटर बॉक्स उजागर हो गया है। लेटर बॉक्स का आकार, लोहे का ढक्कन और दरवाजा। अब इसकी हाईटेक टेस्टिंग की जाएगी। ये बहुत मजबूत लग रहा है, पर अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। ये काम कल सड़क के उस पार किया जाएगा। अगली सुबह जॉन मैकिंटोश और इनके पोते ब्रायन मैकिंग इंजीनियरिंग वर्कशॉप आए हैं। जॉन पिछले 50 सालों से पिलर बॉक्स को आखिरी रूप दे रहे हैं। सन 1955 में पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले मैंने टेलीफोन केस बनाए, फिर मैंने दूसरी चीजें भी बनाना शुरू की, स्टैंप मशीनें, पुलिस के बक्से, प्लांट लेटर बॉक्स और पिलर बनाए। यहाँ इस ढांचे को लेटर बॉक्स की शक्ल दी जाती है। ये भारी भरकम काम है। जॉन अब लगभग रिटायर हो चुके हैं और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने पोते ब्रायन को सौंप दी है। ब्रायन को एक लेटर बॉक्स पूरा करने में 15 घंटे लगते हैं। सबसे पहले इन्हें ग्राइंड करके इसे चिकना बनाना पड़ता है, फिर दरवाजा लगाया जाता है। सत्तर किलो का ये दरवाजा अगले करीब 100 सालों तक दिन में 3 बार खोला बंद किया जाएगा, यानी कुल 1,00,000 बार। इतना ही नहीं, दरवाजा इतना अच्छा हो कि बारिश को बाहर और चिट्ठियों को अंदर बनाए रखे, कोई सेंधमार इसे खोल ना सके। और ब्रायन की जिम्मेदारी है कि वो इसे शुरू से सही बनाए रखें। सबसे पहले इसे और ग्राइंड किया जाता है ताकि ढांचे और दरवाजे के किनारे चिकने बन जाएं। इसमें काफी वक्त लगता है, जांच, फिर ग्राइंडिंग, फिर जांच, फिर ग्राइंडिंग। पूरी तसल्ली के बाद ब्रायन दरवाजे पर कब्जे लगाने के लिए छेद करते हैं। ये इतना बारीक काम है कि 1 मिलीमीटर का फर्क पड़ने पर भी दरवाजा कड़क बंद नहीं होगा, इसलिए ये ड्रिलिंग जिग के जरिए ड्रिल के सिरे को चला रहे हैं। ये हैं भारी भरकम, टिकाऊ, चोरी ना किए जा सकने वाले कब्जे जिनसे दरवाजा फिट होता है। इसके बाद बारी है ताले की। ताला फिट हो गया। पूरे ब्रिटेन के 1,15,000 पोस्ट बॉक्सों की अलग अलग चाबियां हैं। इसके बाद इन पर 50 किलो वजनी ढक्कन लगा दिया जाता है। लेकिन चिट्ठियों को सही सलामत रखने का काम यहाँ खत्म नहीं होता। आप नहीं चाहेंगे कि आपके वैलेंटाइन या बर्थडे कार्ड पानी में गिर जाएं, इसलिए ब्रायन इसमें 2 तरफा लोहे की चीक्स नामक पट्टी लगा रहे हैं ताकि पतले से पतला पोस्ट कार्ड भी खाली जगह से बाहर ना आ सके। इसके बाद वायर गार्ड फिट किया जाता है। ये जाली दरवाजा खुलने पर चिट्ठियों को बिखरने नहीं देती और इसके तीखे दांत चोरों को अपना काम नहीं करने देते। जैसे ही बक्सा पूरा हुआ, इस पर लाल रंग की 2 परतें चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद इसे लंदन की किसी सड़क के मोड़ पर लगा दिया जाता है।